कल हमने रिलेशन के बारे में कुछ चीजें सीखा था। ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, ये हमने देखा था क्या होता है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैंने आपको रिलेशंस का कुछ बेसिक बताया था कि दो सेट्स के बीच में अगर हमको रिलेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। और ये भी बताया था मैंने, जनरली हम सेट बिल्डर फॉर्म में बताते हैं, उसके बाद उसको हम रोस्टर फॉर्म में और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन का बिल्कुल ही बेसिक सा कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वो समझ में आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट आपका 70% रिलेशन हो गया है, थोड़ा बहुत मुझे उसमें और बताना है। तो पहले ये बताओ मुझे, कल की क्लास में एनी वन हैविंग एनी डाउट? नो नो सर। सर। चलो, दो सेट दिया था मैंने, सेट ए और सेट बी, राइट। ये ए ये बी, क्या दिया था मैंने, 1 माइनस 1 ऐसे ही कुछ दिया था, 0 2 माइनस 2, राइट। और इधर यस दिया सर। था 1 2 0 3 4, यही था सेट ए और सेट बी। यस सर। हमने रिलेशन R1 डिफाइन किया था, सच डेट हमने उसको कैसे डिफाइन किया था, फ्रॉम ए टू बी हमने रिलेशन डिफाइन किया था, वेयर जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेंगे सेट ए के एलिमेंट को और स्मॉल बी जो है वो बिलोंग करेंगे सेट बी के एलिमेंट को, राइट। उसके बाद हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया था, डेट R1 मस्ट बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, सच डेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी। यही डिफाइन किया था रिलेशन हमने, यस सर। ठीक है, राइट। यस तो बताओ मुझे, रिलेशन R1 हमारा क्या बना था, क्या आया था R1 आपका, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आए थे, कितने एलिमेंट्स आए थे, बताओ। एक आया होगा 1 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ बताते चलता हूँ साथ ही साथ में। हमने रिलेशन बनाया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो एक रिलेशन ये हो गया 1 1 के बीच में, राइट। नेक्स्ट रिलेशन अगेन -1 का स्क्वायर करने से भी 1 आएगा, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो बी सेट में ये 1 हमारा आएगा, तो ये -1 और 1 के बीच में रिलेशन बन जाएगा, राइट। वैसे ही 0 का स्क्वायर करने से 0 आएगा, तो 0 0 में रिलेशन बन जाएगा। अगेन 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, तो 2 और 4 में रिलेशन हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, तो -2 और 4 में रिलेशन हो गया। याद है, क्लियर था सबको? यस सर। नाउ अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पर 1 1 का रिलेशन हो रहा है, मैंने बताया बोला था लास्ट क्लास में आपको कि आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्री इमेजेस क्या होता है, इमेजेस क्या होता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन किसको बोलते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन किसको बोलते हैं, और कोडोमेन किसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक एक करके समझते हैं। अब देखो ध्यान से, आप सबसे पहले ना आप ये समझो, जैसे इस रिलेशन के हिसाब से अगर 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 आया, यानी ये 1 और 1 के बीच में रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा मैपिंग। जब दो एलिमेंट्स के बीच में यहाँ रिलेशन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग। क्या बोलेंगे, मैपिंग, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 और 1 की क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। मैपिंग का मतलब क्या हुआ कि 1 और 1 के बीच में क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है जिसको हम मैपिंग बोलते हैं, आया समझ में। वैसे यहां पर -1 और 1 के बीच में रिलेशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में क्या है, मैपिंग है। वैसे बोल सकते हैं 0 0 के बीच में मैपिंग है, वैसे ही 2 और 4 के बीच में मैपिंग है, सेम वैसे ही -2 और 4 के बीच में मैपिंग है, राइट। ये मैपिंग वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपस में रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको हम बोल रहे हैं मैपिंग। अब देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है, यानी कि ये जो 1 है वो मैप हो रहा है इस 1 से, तो बेटा ये जो सेट ए के एलिमेंट है जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो जो सेट बी से रिलेट हो रहे हैं,
उसको हम प्री इमेजेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्री इमेजेस। ये पहला टर्म है, समझो इसको, प्री इमेजेस। प्री इमेजेस और इमेजेस, दो टर्म हमको समझने हैं यहां पर। प्री इमेजेस क्या होता है और इमेजेस क्या होता है, ये दो चीज समझनी है। अब ध्यान दो, वन की मैपिंग हो रही है वन के साथ, तो इसमें क्या होगा बेटा, क्योंकि वन मैप हो रहा है वन के साथ तो वन कहलाएगा प्री इमेज, और क्योंकि उसकी मैपिंग होने के बाद वो वन बन रहा है तो ये कहलाता है इसका इमेज, ये कहलाएगा प्री इमेज और ये कहलाएगा इमेज। वैसे ही माइनस वन का मैप हो रहा है वन के साथ तो माइनस वन कहलाएगा प्री इमेज और वन क्या कहलाएगा, उसका इमेज। आया समझ में? अब जैसे यहां पर जीरो जीरो के साथ मैप हो रहा है, क्योंकि ये वाला जीरो इसके साथ मैप हो रहा है तो ये कहलाएगा इसका प्री इमेज और ये कहलाएगा इसका इमेज। आया समझ में? यस सर। अब वैसे देखो बेटा, टू और फोर, टू की मैपिंग हो रही है फोर के साथ, इसका मतलब ये जो टू है ये क्या क्या कहलाएगा, ये प्री इमेज कहलाएगा, और क्योंकि टू मैप होने के बाद ये फोर बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उसकी इमेज। ये हो गया प्री इमेज, ये हो गई उसकी इमेज। वैसे ही माइनस टू हो गया प्री इमेज और ये फोर हो गया उसकी इमेज। तो बताओ प्री इमेज और इमेज समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं प्री इमेजेस का सेट बनाऊं बेटा, अगर मैं प्री इमेजेस का सेट बनाऊं तो बताओ प्री इमेजेस का सेट क्या बनेगा, कौन कौन से प्री इमेजेस हैं यहां पर? अगर सेट ए और सेट बी में देखूं तो सेट ए के एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है, ध्यान देना ये वर्ड ध्यान से, सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ प्री इमेजेस। सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो सेट अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 1, -1, 0, 2, -2। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया बेटा सेट ऑफ प्री इमेजेस। क्लियर है? यस सर। नाउ नेक्स्ट, इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस किसको बोलेंगे? अगेन बताओ, बी, सेट बी के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है, सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई है, ऐसा बोल सकते हो, जिनकी मैपिंग हुई है उस एलिमेंट के सेट को हम इमेजेस बोलेंगे। सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग हो रखी है उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ इमेजेस। तो बताओ इसका क्या सेट बनेगा बेटा, वन मैप हुआ हुआ है, जीरो भी मैप और फोर भी मैप हुआ हुआ है, तो सेट ऑफ इमेजेस क्या बनेगा, 1, 0, 4। आया समझ में? यस सर। अच्छे से? यस सर। होपफुली आपको यस सर और इमेजेस का कंसेप्ट आया होगा समझ में। प्री इमेजेस उस सेट को बोलेंगे बेटा जिस सेट में जो जिनकी मैपिंग हो रही है, जिनकी मैपिंग हो रही है या जिनकी मैपिंग होगी उन एलिमेंट्स के सेट को हम प्री इमेजेस बोलते हैं, और मैपिंग होने के बाद यानी जिनकी मैपिंग होने के बाद जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे तुम्हारे इमेजेस का सेट। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये इमेजेस और प्री इमेजेस, क्लियर है सबको अच्छे से? यस यस। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, डोमेन और रेंज क्या होता है। देखो यहां पर आराम से लिखना, बाद में पहले समझ लो, डोमेन और रेंज क्या होता है। अच्छा, डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो ये भी यहां पर समझो, डोमेन को अपन डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, डोमेन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ये रिलेशन कौन सा है बेटा, ये ए और बी में कौन सा रिलेशन अपन ने डिफाइन किया है, आर वन रिलेशन डिफाइन किया है, राइट? तो डोमेन को मैं कैसे लिखूंगा, डी आर वन, डोमेन फॉर रिलेशन आर वन, यानी इन दोनों के बीच का अगर मुझे रिलेशन का डोमेन निकालना है तो उसको डी आर वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि रिलेशन आर वन है तो मैं इसको आर आर वन लिख देता हूं। आया समझ में?
नाउ डोमेन क्या होता है? अब देखो एकदम सिंपल सी बात है. व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ प्री इमेजेस. जो सेट ऑफ प्री इमेजेस है वो ही इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा. डोमेन क्या कहलाएगा? सेट ऑफ प्री इमेजेस, यानी जो प्री इमेजेस का सेट बना है वो ही इस फंक्शन का क्या कहलाएगा या इस रिलेशन का क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा. तो बताओ डोमेन क्या हो गया बेटा? प्री इमेजेस का सेट. एज इट इज लिख दो क्या? 1 -1 0 2 -2. तो दिस सेट ऑफ प्री इमेजेस इज नोन एज अ डोमेन. आया समझ में? तो रेंज क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज रेंज? इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस, राइट? रेंज क्या हो जाएगा आपका? इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस. बताओ इमेजेस, इमेज का क्या सेट बना है हमारा? 1, 0, 4. तो ये आपका हो जाएगा रेंज. एज सिंपल एज दैट. प्री इमेजेस, इमेजेस समझ में आ गया? तो डोमेन और रेंज आपने एक तरीके से निकाल ही लिया. व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ प्री इमेजेस. व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ इमेजेस. क्लियर है? यस सर. अरे बोलो भाई सब. यस सर. इसी में एक और टर्म आता है बेटा, कोडोमेन. इसी में एक और टर्म आता है कोडोमेन. अच्छा कोडोमेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोडोमेन को अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सीओ डी आर वन. ठीक है, सीओ डी आर वन. कोडोमेन को अपन सीओ डी आर वन से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा कोडोमेन क्या होगा बेटा? पूरा का पूरा सेट बी. पूरा का पूरा सेट बी को उठा के तुम यहां लिख देना 1, 2, 0, 3, 4. तो इसी को हम बोलते हैं कोडोमेन. आया क्या समझ में? व्हाट इज कोडोमेन? पूरे के पूरे सेट बी को उठा के रख दो एक जगह तो उसी को आप बोलोगे कोडोमेन. आया समझ में? यहां पर मैं इनकी डेफिनेशन भी लिखता चलता हूं साथ में. देखो हमने डोमेन का मतलब क्या समझा बेटा? व्हाट इज डोमेन? इट इज अ सेट ऑफ, बोलो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस. आया समझ में? अच्छा बताओ रेंज का मतलब हमने क्या समझा? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस, ऑल इमेजेस. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमेन? बोलो व्हाट इज अ कोडोमेन? कोडोमेन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? कंप्लीट सेट बी. पूरा का पूरा सेट बी उठा के लिख दो, वही तुम्हारा कोडोमेन बन जाएगा. क्लियर है यहां तक? यस सर. अगर ये तुमको समझ में आ गया ना तो ऑलमोस्ट तुमसे रिलेशंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यहां पर एक चीज बेटा ध्यान देने वाली है. आपका जो सेट रेंज का जो सेट बना है, ध्यान से देखो, रेंज का जो सेट बना है वो क्या बना है? 1, 0 और 4. अच्छा बताओ ये 1, 0 और 4 ये सेट बी के ही एलिमेंट है ना? यस सर. ये जो रेंज वाला, ये जो हमारे एलिमेंट है रेंज के, रेंज वाला ये जो सेट के एलिमेंट है, ये सेट बी के ही एलिमेंट है. और ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है आपका? कंप्लीट सेट बी. पूरे के पूरे सेट बी के जो एलिमेंट है वो कोडोमेन में लिखे हुए हैं, राइट? सबसेट है. एग्जैक्टली तन्वी, वेरी गुड. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा रेंज है ये हमेशा कोडोमेन का सबसेट रहेगा? यस सर. राइट और नॉट? अगर रेंज के एलिमेंट, रेंज वाले सेट के जो एलिमेंट है बेटा वो कोडोमेन वाले एलिमेंट्स ही तो होंगे ना, यानी ये जो सेट है आपका इसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स लिखे रहेंगे हमेशा रेंज में. तो याद रखना रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. आया क्या समझ में? यानी कि यस सर. यस सर. बेटा यस सर. ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन, ठीक है. तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना. मैं यहां लिख देता हूं कोडोमेन. ठीक है, तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. और ये भी हो सकता है, अगर मान के चलो, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, देखो अगर यहां पर रूट टू होता और यहां पर अगर रूट थ्री होता तो क्या रूट टू का स्क्वायर होके टू बन जाता और रूट थ्री का स्क्वायर होके थ्री बन जाता? तो याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी के पूरे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है. तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा उस केस में?
पूरा का पूरा सेट भी रेंज हो जाएगा और कोडोमेन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट भी। यानी ये भी हो सकता है कि जो रेंज और तो तुम्हारा कोडोमेन है वो क्या रहे तुम्हारे इक्वल, तो हम उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, और समटाइम्स अगर सब पूरे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है तो रेंज और कोडोमेन तुम्हारे इक्वल सेट भी हो सकते हैं। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, तो बेटा प्लीज नोट करके लिख लो, वहां पर एक नीचे नोट लिखो, नोट के बाद ये लिख लेना यहां जो लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं रेंज लिख देता हूं पूरा, लिख लो इसको प्लीज कॉपी में, नोट करके लिखना। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलो देखो, अब ना यहां पर थोड़ी सी एक चीज पढ़ते हैं अपन। देखो सब लोग पेन डाउन करके आराम से पहले समझना और मुझे आंसर करना। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में हम कुछ रिलेशन देखेंगे। देखो देखो, मैं दो सेट ले ले रहा हूं, ठीक है, सेट ए और सेट बी, यहां पर भी ये सेट ए और सेट बी। ठीक है, जल्दी से ले लेते हैं, क्या ले लें, सुपरमैन, वरदान और डॉन, एसवीडी ले लिया मैंने। ठीक है, कुछ भी ले लो, यहां ले लेते हैं आमिर खान और हल्क एच। ठीक है, कुछ भी ले ले रहा हूं मैं फिलहाल। ये हो गया सेट ए और सेट बी। सेट ए हो गया मेरा यशांक, तुम्हारे माइक से नॉइज आ रही है बेटा, प्लीज अगर हेडफोन पहने हो तो हेडफोन उतार दो। ठीक है, देखो सेट ए है एस वी डी और सेट बी है ए एच। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए क्रॉस बी निकाल के बताओ या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के बताओ, बताओ क्या आएगा बेटा, व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी? एस ए। राइट, सेट ए के एलिमेंट के, सेट ए के एलिमेंट की पेयरिंग करना पड़ेगा हमको सेट बी के एलिमेंट के साथ, और हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर की पेयरिंग हमको बतानी पड़ेगी। राइट, वही होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी क्या क्या पेयर बनेंगे बताओ, एस ए एस एच, एस ए एस एच और वी ए वी एच, वी एच डी ए डी एच। ठीक है, डी ए डी एच, राइट, इतने ही बनेंगे। यानी अगर मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालूं तो ए के एलिमेंट के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं बी के एलिमेंट के साथ, वो हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताता है। राइट, ये मैंने आपको कल समझा चुका है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी टू सेट का, तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए के बी के साथ बन सकते हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर लिखे हुए हैं। राइट, यहां तक आया समझ में? यस सर। नाउ अब मैं एक काम कर रहा हूं, सेम सेट ले रहा हूं बेटा, सेम एज इट इज यही सेट ले लेते हैं, ये एस वी डी और ये ए एच। अब मैं इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं। रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो एस है, एस है ये एस ए को रिलेट कर रहा है, ये जो एस है ये ए के साथ मैप हो रहा है, वी जो है ये भी ए के साथ मैप हो रहा है, और जो डी है वो एच के साथ मैप हो रहा है। ये मैंने अपने मन से एक रिलेशन बनाया है बिटवीन सेट ए एंड बी, ए टू बी मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि एस का मैपिंग ए के साथ हो रखा है, वी का भी मैपिंग ए के साथ हो रखा है, और डी का जो मैपिंग है वो एच के साथ हुआ है।
आया समझ में? अब तुम बताओ रिलेशन आर क्या बनाया मैंने? मैंने बताया कि एस की मैपिंग ए के साथ हुआ है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? एस कॉमा ए, राइट। अगेन वी की मैपिंग ए के साथ हो रखी है तो क्या बनेगा? वी कॉमा ए। अगेन डी की मैपिंग एच के साथ हो रखी है तो क्या बनेगा? डी कॉमा एच। तो ये मेरा रिलेशन हो गया, राइट। मैंने यहां पर जो रिलेशन डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग यही आएगा, सेट के एलिमेंट्स यही हो जाएंगे। बोलो राइट और नॉट? यस सर। अब तुम ध्यान से देख के बताओ बेटा, क्या यहां पर ये रिलेशन में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये एलिमेंट्स आपको यहां पर भी मिल रहे हैं? यस सर। क्या ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपको एलिमेंट्स यहां पर भी मिलेंगे? यस सर। 110% मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखो, हमने रिलेशन डिफाइन किया सेट ए का बी के साथ, हमने रिलेशन डिफाइन किया सेट ए का बी के साथ। तो हुआ ये बेटा, जब हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाले, जब हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाले, उसमें हमने ए के जो एलिमेंट है उनके सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बी के एलिमेंट के साथ, ये हमको यहां दिख रहा है, राइट और नॉट? यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको क्या बता रहा है? सेट ए के एलिमेंट के साथ जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में दिखेंगे, राइट। यानी कि अगर मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन बनाना है, मैं कोई भी रिलेशन बनाऊं, ए से बी पे, ए से बी में कोई भी रिलेशन बनाऊं, उस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या हमेशा हमको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे? यस। आया क्या समझ में? यानी कि अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर दे देता है, तो इसका मतलब ए से बी जब भी आप रिलेशन को डिफाइन करोगे तो उसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इसमें तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो आप ए से बी में कितने भी रिलेशन डिफाइन कर लो, वो एलिमेंट्स जो भी आएंगे उस रिलेशन के, वो हमेशा ए क्रॉस बी में भी मिलेंगे। बोलने का मतलब ये है कि जो रिलेशन आप ए से बी डिफाइन करोगे वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा। आया समझ में? यस सर। जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया समझ में सबको? आ गया सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, तो हम कितने भी रिलेशन डिफाइन करें, 1, 2, 3, 4, तुम 10, 15, 20 रिलेशन भी अगर ए से बी में डिफाइन करते हो, तो जितने भी उसके एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में मिलेगा। यानी रिलेशन जो रहेगा, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रिलेशन ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूं, आप लोग भी अब लिख लो, इसको नोट डाउन करो। चलो लिखते चलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। Any relation any relation R such that it is defined from A to B is a subset of ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, डन। अच्छा देखो, आप लोग से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने सेट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था, बताया था वहां पर एक फॉर्मूला। बताओ किसी भी सेट में अगर हमको ये पता करना है कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो तुम बताओ कैसे फाइंड आउट करते थे? कोई भी अगर सेट आपको गिवन है, वेरी गुड,
वेरी गुड तन्वी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सेट एक गिवन है आपको, उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे कैसे पता करोगे बेटा? 2 की पावर कार्डिनल नंबर, याद है? Yes, sir. पावर कार्डिनल नंबर। yes, अच्छा पहले ये बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल नंबर नाउ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। वेरी गुड, चलो इसके आगे लिखेंगे फिर हम। ठीक है, यहां तक हो गया, डन ऑल ऑफ यू? चलो नाउ अब इसमें तुम्हारे लिए थोड़ा सा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तुम्हारी, यहां पर देखो। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखाया, एनी रिलेशन आर डिफाइंस फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब मान के चलो मेरा कोई भी सेट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, ये मैंने कल बताया था, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, तो तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा? पी इंटू क्यू, राइट और नॉट? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा बेटा? P into Q, ये हमने कल पढ़ा है, राइट? अरे बोलो yes, भाई। ठीक, अब तुम बताओ मुझे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B या A into B, अभी बोल देता हूं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर B है बेटा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B के कितने हो जाएंगे? P into Q, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब तुम बताओ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के पी इंटू क्यू है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो हमने अभी अभी ऊपर सेट बनाया था, आप अपने कॉपी में देख सकते हो, इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? ये एक सेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, ये जो तुमने सेट बनाया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे तो कैसे बताओगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे? हमने स्टार्टिंग में सेट चैप्टर में पढ़ चुका है, किसी भी सेट का अगर सबसेट, वेरी गुड, तो किसी भी सेट का अगर हमको टोटल सबसेट निकालना है, तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर कार्डिनल नंबर, राइट? बोलो। यस सर। राइट, और व्हाट इज कार्डिनल नंबर बेटा? कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं? पी इंटू क्यू। तो बताओ टोटल सबसेट ए इंटू बी के कितने बनेंगे? 2 की पावर पी इंटू क्यू। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अगर आपसे कोई पूछे कि A क्रॉस B में कितने सबसेट बनेंगे, तो कितने सबसेट बनेंगे बेटा? सेम फॉर्मूला जो हमने सेट में पढ़ा था, इट इज नथिंग बट 2 की पावर कार्डिनल नंबर, एंड व्हाट इज कार्डिनल नंबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? P इंटू क्यू है, तो 2 की पावर P इंटू क्यू, ये आपके टोटल सबसेट हो जाएंगे A इंटू B के, या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, अब तुम बताओ। yes, अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर कर पाते हो क्या। मैंने आपको ये बोला कि अगर दो सेट ले लें अपन, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपन दो सेट ले लें यहां, सेट ए और सेट बी, और ए से बी के बीच में अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा, तो ये जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा ए इंटू बी का सबसेट होगा, राइट और नॉट? मैंने बताया कि ये जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे, ये रिलेशन हमेशा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि तुम बताओ अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको दिया हुआ है, इसमें सपोज 5 एलिमेंट है, या सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, जो आपका ऊपर क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, एस वी डी हमने लिया था और ए और एच लिया था, तो सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है, और कोई आपसे ये पूछे कि तुम बताओ वो दोनों सेट के बीच में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, अगर मैं आपको दो सेट दे दूं
और मैं आपसे ये पूछूं कि तुम बताओ कि उन दोनों सेट में हम कितने रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, क्या जवाब दोगे? इनफिनाइट नहीं, सिक्स नहीं, इसका आंसर ना तुमको जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट से ही मिल जाएगा। मैंने ये बोला था कि ये जो रिलेशन रहेगा, जो रिलेशन आर रहेगा, वो हमेशा ए इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट रहेगा। बोलो राइट और नॉट, आर रिलेशन जो रहेगा, रिलेशन जो रहेगा वो हमेशा इसका सबसेट रहेगा, राइट और नॉट? यस सर। बेटा कितने रिलेशन डिफाइन कर पाओगे? उतने ही रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे ना जितने इसके सबसेट रहेंगे। बोलो राइट और नॉट। अगर रिलेशन आर इसका सबसेट है तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम दो सेट के बीच में? जितना उसका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा उतने ही रिलेशन आप डिफाइन कर पाओगे। पहले ये बताओ आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। एग्जांपल, एक एग्जांपल से बताता हूं, पहले आप लोग लिख लो इसको, इसको लिख लो, एक नोट पॉइंट करके लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लिखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, that can be defined in set A and B are 2 की पावर p, 2 की, जितने A क्रॉस B में सबसेट होंगे, कितने होंगे? 2 की पावर p इनटू q। यस सर। आंसर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फट से। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फट से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूं। देखो दो सेट ले लेते हैं अपन, ये हो गया सेट a, ये हो गया सेट b। सेट a में ले लेता हूं मैं अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, ठीक। सेट बी में ले लेते हैं गोलू, मोनू, सोनू, और क्या ले लें, ठीक है, गोलू, मोनू, सोनू, चचा और स्वीटी, ये ले लेता हूं मैं सेट बी, ले या अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल मैंने अभी आपको समझाने के लिए। देखो अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? नंबर एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 1 2 3 4, चार एलिमेंट है। वैसे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 5 4 5, ठीक। तो तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा बेटा? 20, डेट इज 4 × 5, कितना? 20। ये तो हमने पढ़ लिया है कल, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होगा सबको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, विच इज 25 लिख दिया मैंने, 4 5 जा, ये हो जाएगा आपका 20। क्लियर है? Yes, sir. अब अगर आपसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम ये बताओ कि अगर ये सेट ए और सेट बी में, ए से बी अगर हमको कोई रिलेशन डिफाइन करना है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर पाओगे आप इसमें? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डेट कैन बी डिफाइंड that can be defined in set A and B, in set A and B, तो set A और set B में बेटा total कितने relation define कर सकते हो आप?
तो इसको सोचने के लिए सीधा सीधा सोचना, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि सेट ए से बी अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना है तो वो रिलेशन जो है वो ए इंटू बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हमेशा सबसेट रहने वाला है। ये जो रिलेशन है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हमेशा सबसेट रहेगा। तो ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन तुम सेट ए और सेट बी के बीच में डिफाइन कर पाओगे। राइट, व्हाई? बिकॉज जो रिलेशन है वो तो हमेशा सबसेट बनेगा ही बनेगा सेट ए क्रॉस बी का। राइट और नॉट? अब आया समझ में अच्छे से? सर एक बार और समझा दीजिए। सर आ गया, एक बार और समझाऊं? देखो बहुत ही सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो रिलेशन आर आप डिफाइन करोगे ये ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हमेशा सबसेट रहने वाला है। यानी ये जो रहेगा ये हमेशा इसका एक सबसेट रहेगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई सेट ए और सेट बी में कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो, तो तुम बताओ सेट ए और सेट बी में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, या उसी को मैं क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सेट ए और बी में कितने सबसेट बना सकते हो? तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने सबसेट आपके बनेंगे उतने ही तो रिलेशन डिफाइन कर पाओगे ना, क्योंकि ये जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट रहने वाला है। आया कि नहीं आया समझ में तन्वी? यस सर। रिलेशन आर, अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, ठीक है, फॉर अदर्स आल्सो, रिलेशन आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं इन दोनों सेट में? तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, उतने रिलेशन आप किसी भी दो सेट के बीच में डिफाइन कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। पवन? हाँ क्लियर है ना आप? तो अब तुम बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेट ए और सेट बी में आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो अपने मन से, तो कितने रिलेशन डिफाइन कर पाओगे बेटा? इट इज नथिंग बट 2 की पावर कार्डिनल नंबर, यानी इसके टोटल सबसेट, विच इज 2 की पावर 20। निकाला ना हमने, 2 की पावर 20 भी लिख सकते थे, या समझने के लिए तुम्हारे ऐसा लिख देता हूँ 2 की पावर 4 × 5 विच इज 2 की पावर 20। अब ये निकालने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो तुम अपने मन से 2 की पावर 20 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो आप। कितना बड़ा नंबर है, यानी कितने सारे रिलेशंस आप अपने मन से डिफाइन कर सकते हो। इनफिनाइट नहीं बोल सकते, एक फाइनाइट नंबर है। 2 की पावर 20 इनफिनाइट नंबर नहीं है, 2 की पावर 20 एक फाइनाइट नंबर है। तो उतने रिलेशंस ए और बी के बीच में डिफाइन किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो, फटाक से राइट डाउन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन, और उसका आंसर मुझे जल्दी से बताना। फाइंड द डोमेन and range of the relation R given by R is equal to x comma y such that y is equal to 6 + 6/x, where x comma y belongs to natural number and x is less than 6. एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बना लिया तो समझ जाओ आपको अच्छे से समझ में आ गया रिलेशन, आसानी से बाकी आगे के भी क्वेश्चन बना पाओगे। चलो जल्दी से बताओ, मुझे इसके डोमेन और रेंज जाननी है,
तो पहले आप लोग इसको रिलेशन को समझो कि क्या दिया हुआ है ये, उसके बाद उसको डीकोड करना रोस्टर फॉर्म में, और जैसे रोस्टर फॉर्म में कर लोगे आपको डोमेन और रेंज आसानी से मिल जाएगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको, सेकंड क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। चलो पहले ये देखते हैं दिया क्या है बेटा। हमको एक रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई हमको एक रिलेशन दिया है सच डेट y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन x। एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन x, वेयर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x और y किसको बिलोंग करेंगे बेटा, x y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और x क्या होना चाहिए, x आपका लेस देन 6 होना चाहिए, ठीक। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा तुम बताओ अगर x लेस देन 6 है इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है, x कैन बी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो x 1 से चालू होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, राइट। लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक एक हम रख के देखते जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो है ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म तैयार हो जाएगा। चलो देखो अब यहां पर, नाउ सबसे पहले x के जगह मैं 1 रखता हूं बेटा। अब तुम बताओ अगर मैं x के जगह 1 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन 1, तो 6 प्लस 6 y कितना हो जाएगा 12, राइट और नॉट। ये एक एलिमेंट बना मेरा, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। नाउ अगेन दूसरा, अब x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं यहां पर, तो बताओ x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, अगर यहाँ 2 रखूंगा तो 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो बताओ x कितना रखा हमने, x 2 रखा, तो y कितना आ रहा है बेटा 9, बताओ ये आया समझ में, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब बताओ x की जगह क्या रखें, 3 रख के देखें। अब तुम बताओ अगर x मैं यहां पर 3 रखूंगा, अगर x यहां 3 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 2, बताओ y कितना आ जाएगा, बोलो भाई 8, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, नो सर। नो सर। एक मिनट, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अब अगर मैं x की जगह 4 रखूं बेटा, x की जगह हम 4 रखें तो y कितना आएगा, जरा ध्यान देना, 6 प्लस 6 बाय 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा 3 बाय 2 कितना हो जाएगा 1.5, राइट। अब तुम जरा देखो अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 7.5, अगर 6 प्लस 1.5 करूं 7.5 आ रहा है, तो तुम बताओ क्या ये एक नेचुरल नंबर है, क्या क्या एक नेचुरल नंबर है, नो सर। नो सर। नहीं है। और हमको क्या दिया था बेटा कि x y किसको बिलोंग करना चाहिए, x y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो बताओ क्या x की वैल्यू 4 आ पाएगी, बिल्कुल भी नहीं है ना, x की वैल्यू 4 रखने से y जो है हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम x को 4 नहीं रख सकते। वैसे ही अगर मैं x की जगह 5 भी रख के देखो, ध्यान से देखो, अगर x की जगह 5 भी रख के देखो, नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है, तो आपका जो रिलेशन बना वो क्या बना, ये बना, दैट इज 1,12, 2,9, 3,8, आया समझ में, yes, आया समझ में, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, डोमेन और रेंज। अब तुम बताओ अगर मैं इस रिलेशन का डोमेन निकालूं dr, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है, यानी सेट ए वाले एलिमेंट्स पूरे आपके जो प्री इमेजेस है उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन ये आपके पहले एलिमेंट, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए के लिखे रहते हैं, राइट और नॉट, यस सर।
है ना, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, वन टू और थ्री। तो तुम बताओ डोमेन क्या हो जाएगा आपका, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस आर डोमेन। अच्छा रेंज क्या हो जाएगा इसमें, रेंज इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेजेस क्या हो गए आपके, सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड सेट के एलिमेंट है, दिस 12 9 और 8, तो ये 12 9 और 8, ये हो गया आपका रेंज ऑफ दिस फंक्शन। पहले बताओ आया क्या समझ में? यस सर। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो, थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा, गुड नाइट।